जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो है। क्यों? क्योंकि आज का जो वीडियो, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही है मेरे पास में अभी तक वेट की, कि सर हमारा वेट कितना होना चाहिए, अगर हमारी हाइट इतनी है तो कितना होना चाहिए। तो आज में जिसकी जितनी भी हाइट है, चाहे आपकी 152 सेमी है, 157 सेमी है, 160 सेमी है, 162 सेमी है, 170 सेमी है, 175 सेमी है, 180 सेमी है, चाहे कोई सी भी हाइट हो बेटा, सभी हाइट के लिए आज मैं आपको वेट बता दूंगा कि फिर आपका उतना वेट होगा। हर एक हाइट के लिए बता दूंगा पूरे कैटेगरी का। तो अगर आपका उससे कम अगर वेट होता है या उससे ज़्यादा अगर वेट होता है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले तो माँ की लाडलियाँ पानी पूरी खा खा के मोटी हो गई है, और कुछ ऐसे मुस्तंडे भी है जो घर पे दूध चेप चेप के हो गए हैं, ये फैल गए हैं अब इतने बड़े बड़े। फिर बोल रहे हैं सर वेट कितना चाहिए, सर मैं ओवर वेट तो नहीं हूँ सर। फिर वेट भी इतना बताएंगे, अरे तेरे को खुद को भी पता है मेरे भाई ओवर वेट ही है। हैं बोल सर ये हाइट है मेरी रियल ले रखा 90 के आसपास है या 100, अरे शतक पूरा करना है क्या भाई वजन में, कि भाई शतक पूरा करना है, अरे ऊपर से ऐसे खड़ा होके काम में नहीं आएगा बेटा, और ज़्यादा वेट रहेगा तो 5 किलोमीटर की रनिंग भी नहीं कर पाएगा एसएससी जीडी में, या आर्मी की तो नहीं कर पाएगा अगर इतना वेट रहेगा। ओवर वेट रहेगा ना, वो रनिंग भी कर पाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर ओवर वेट में हमको कौन कौन से मतलब कितने वेट का पॉइंट मिल सकता है, या कितना वेट हमको कम कर लेना चाहिए। तो मैं आपको उसके बारे में वीडियो, तो एक बात तो खाने पीने पे सबसे पहले कंट्रोल करें। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे बच्चों का वो बोलते हैं कि सर हमारा वेट कम नहीं हो रहा, या कुछ बोलते हैं वेट ज़्यादा नहीं हो रहा। मैंने बताया था मिनिमम वेट लड़कियों के लिए 40 kg होना चाहिए और लड़कों के लिए 45 kg होना चाहिए। वेट बढ़ाना बहुत आसान है, वेट कम करना मुश्किल है। वेट बढ़ाने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, वेट बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी आपकी डाइट ज़्यादा करनी है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे केला हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ें खाने से भी आपका वेट बढ़ता है। रोटी खाइए ज़्यादा, या जो आलू है इनमें जो ज़्यादा होता है तो वो खाइए, आलू की सब्ज़ी, इनकी सब्ज़ी खाने से, या रोटी ज़्यादा खाने से। शाम की टाइम की डाइट को थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए तो वेट आपके धीरे धीरे अपने आप ही ग्रोथ कर देगा, अगर शाम की डाइट को आप बढ़ा लिए तो। और जिसको वेट कम करना है वो शाम की डाइट को कम कर दे, बिल्कुल कम कर दे, ठीक है, तो उसका वेट कम हो जाएगा। तो वेट जो ज़्यादातर जो वेट डिपेंड करता है ना, वो बच्चा डिपेंड करते हैं आपकी जो इवनिंग की जो डाइट होती है उस पर। इवनिंग के समय आप क्या खाते हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इवनिंग के खाने के बाद में सिर्फ आप सोते हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा जितने भी मेरे जवान साथी जो तैयारी कर रहे हैं फोर्स में, तो वो खाना लगभग 6 से 7 बजे के बीच में खा ले बेटा। 6 से 7 बजे के बीच में खाने से आपको फ़ायदा ये होगा, क्योंकि आप 10 बजे 11 बजे से पहले कोई भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं सोता है। तो अगर आप 6-7 बजे के आसपास अगर खाना खाते हो, 7 बजे के आसपास भी अगर खाना खाते हो, तो उसके बाद में भी 4 घंटे, तो 4 घंटे में आपके शरीर की पूरी खाने की पाचन क्रिया हो जाएगी, और चाहे आप कितना भी खा लो वो नुकसानदायक नहीं होगा आपके लिए। नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, अगर आप मान लो कोई बच्चा ऐसा होता है जो पढ़ के फिर खाना खा के सीधा सो जाता है, तो बच्चे फिर सुबह उठने में भी प्रॉब्लम करता है और उसे नींद भी बहुत गहरी आती है। अगर आप 7 बजे खाना खाते हो, या कहने मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं, 7:30 भी ले सकते हो, तो अगर उस टाइम पे आप खाना लेते हो फिर आप 11 बजे के आसपास सो गए ना, तो बेटा नींद भी कम आएगी और सुबह जल्दी से आंखें भी खुल जाएगी, क्योंकि पेट खाली रहेगा। अब ऐसे शाम को 10-11 बजे के आसपास जाएगा फुल पढ़ के, फिर पूरा पेट को भर के फिर ऐसे सो जाएगा भैंसे की तरह, तो वो कहाँ से उठेगा, वो कहाँ से सुबह 5-4 बजे उठ के पढ़ाई कर पाएगा भाई, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, शाम की जो डाइट है उसको हमेशा फॉलो करें अपने हिसाब से। जिनका वेट ज़्यादा है वो उनको फिजिकल एक्सरसाइज करते दौरान मैं बताया हूँ कि आप थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हो, नहीं तो ठंडा पानी है नॉर्मल पानी, उसमें 2-4 नींबू निचोड़ लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए, मिक्सअप करके फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान पीते रहिए आप। और उसमें चीनी वीनी भी मीठा के लिए, लेकिन वो हनी से मीठा हो जाएगा, उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन वो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एक जो शाम की आपकी डाइट होती है वो बिल्कुल कम कर देना, ये नहीं छोड़ा बिल्कुल छोड़ देना, लेकिन बहुत सारी कम कर देनी। और सुबह सुबह फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा करनी है आपको, नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी है। अब बात करते हैं हम अपने आते हैं अपने टॉपिक पर आज के, कि किसके लिए कितनी। अगर लड़कियों के लिए बात करें कि लड़कियों में कितनी, लड़कियों की जो ज़्यादातर हाइट होती है 5'2", 5'4", 5'6", और कुछ कैटेगरी जैसे जो ST की जो लड़कियाँ होती है जिनको हाइट में छूट दी जाती है की रहती है, जैसे 152 उनको हाइट में छूट दी जाती है, तो उसमें कितना केजी वेट होना चाहिए। दोस्तों अगर लड़कियों के लिए मैं बात करूं तो आप में क्या होना चाहिए, जितना आपका हाइट का सेंटीमीटर में आंकड़ा है, जैसे अगर आप में 157 सेमी आपकी हाइट है, समझ गए, 157 सेंटीमीटर यानी 5'2" अगर आपकी हाइट है, तो आपको क्या करना है, उतना ही वेट आपका कम होना चाहिए। तो वो आगे वाला है उसको हटा देना है,
तो 157 में से आगे वाला हटा दिया, आप कितना बचा 57। तो 57 केजी से आपका 5 केजी माइनस में होना चाहिए। कितना केजी? 5 केजी। यानी जितना आपका हाइट का आंकड़ा है उससे आपका माइनस में ही होना चाहिए, प्लस में नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपकी हाइट 157 सेमी है, आपका वेट अगर 60 केजी है तो इसका मतलब आप ओवर वेट है, आपको वेट करने की सख्त कम करने की सख्त ज़रूरत है। ये आप एक मैं आपको सीधी सी लीड दे दिया हूँ, इससे आप समझ सकते हो कि आपकी जितनी हाइट है। अब कई बच्चों की जो 152 सेमी है उनमें भी वेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उनको भी क्या करना है, आपने वेट यानी 5 केजी कम से कम, यानी आपने 47-48 केजी, तो उनके जितनी जिसकी हाइट कम आती है, जैसे 152 वाली के लिए 5 केजी माइनस नहीं है, उसके लिए 3-4 केजी ही माइनस है। लेकिन जिस दिन की हाइट ज़्यादा ग्रो करती है, जैसे कई लड़कियों की 170 सेमी भी हाइट है, तो उनमें भी 5-6 केजी कम होना चाहिए फिर, ठीक है। तो जितना आपका सेंटीमीटर में आंकड़ा है, जैसे मान लो अगर आपका 170 है किसी की लड़की का, तो आपका वेट फिर 65 केजी भी नहीं होना चाहिए, यानी 65 केजी से अंडर होना चाहिए, यानी उससे ऊपर नहीं। लेकिन ओवरवेट का पॉइंट कब होगा कि जितनी आपकी हाइट है, अगर आपका वेट उससे ज़्यादा है, यानी आपकी हाइट मान लो 157 सेंटीमीटर है, वेट आपका 60 केजी है, 157 तो आप 57 ले लीजिए, 170 में सिर्फ 70 ले लीजिए। अगर आपका फिर 70 केजी से वेट ज़्यादा है तो आपको हो सकती है क्या प्रॉब्लम, ओवरवेट की, बाकी अन्यथा नहीं। अब ओवरवेट कोई अभी बच्चा है भी तो उसको अभी तैयारी नहीं करनी है वेट कम करने की। वेट कम करने की गारंटी मेरी आप 1 महीने में कम करा देंगे वेट आपका, ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, फॉलो कर लेना उसको। आपका वो कमांडो फिजिकल टिप्स चैनल का लिंक है नीचे, फॉलो कर लीजिए उस चैनल को, वहाँ पर आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताएंगे वेट कम करने की, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस करना है। अब बात करें माँ के लाडलों का, क्योंकि बहुत सारे लाडले ऐसे होते हैं जो खाने पीने में पहले तो कंट्रोल करते नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत खाते हैं लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता, तो उनके लिए भी मस्का बताएंगे, उनका भी वेट बढ़ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। जो लेकिन जो माँ के विशेष लाडले होते हैं, जो घी दूध खा खा के या पैल रखे हैं या बन रखे हैं जवान के जवान, उनके लिए कि उनका वेट कितना होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपकी भी जैसे मान लो लड़कों की हाइट काफ़ी होती है, कईयों की 180 है, तो क्या फिर उसका 80 केजी वेट होना चाहिए? नहीं। आप इस चीज़ को फॉलो कर लीजिए कि आपकी जितनी हाइट है, यानी अगर आपको मान लो 180 सेंटीमीटर है या 178 है या 175 है, तो आपका वेट उससे 5 केजी माइनस में ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपको टारगेट लेके चलना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब आप अगर 2 केजी माइनस में होगा तो आपको और पॉइंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा फिर भी, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि उससे आपका कम से कम 5 केजी कितना होना चाहिए माइनस में, तो उसको सुविधा होगी, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करने में भी काफ़ी सुविधा रहेगी, आपका शरीर भी फिट रहेगा, और किसी भी प्रकार की अगर आप एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, किसी भी कंपटीशन के लिए, तो आसानी से फाइट कर जाओगे। इसलिए जितनी आपकी हाइट है उससे 5 से 6 केजी आपका वेट कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी 170 हाइट, तो वेट को आप कम करके रखिए, अगर आप 10 केजी भी कम कर सकते हैं अपनी हाइट से तो बिल्कुल कर लीजिए। अगर किसी में 180, किसी की हाइट 180 है और उसमें 70 केजी या 72 केजी अगर वेट है 8 माइनस में, तो बहुत ही अच्छी बात है। वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, वेट को हमेशा कम करके रखना है, ठीक है, क्योंकि वेट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए लड़के किसी की अगर 100 हाइट मान लो 180 182 है और उसका वेट अगर 174 के आसपास भी है, मतलब केवल 74 केजी के आसपास है, तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो वेट हमेशा आपकी हाइट का जो आंकड़ा है सेंटीमीटर में, तो उसका जो आगे वाला आंकड़ा उससे माइनस होना चाहिए 5-6-7 केजी, तो इसका मतलब है फिर आप फिट हो। समझ में आ गई माँ के लाड लो? बस इस बात का विशेष ध्यान रखना, और अभी सिर्फ मेहनत करना पढ़ाई के लिए, वेट हम बाद में कम कर लेंगे, जिसके पेपर में अच्छे नंबर आएगा उसके साथ में हम खड़े हो जाएंगे, उसको ऐसे ऐसे मस के बताएंगे वेट कम कर देंगे, वेट कम क्या हो गया ऐसे कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।